देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा नीट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो ग्लोब ट्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी नीट यूजी काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, फाइनली अब आप सभी का इंतजार खत्म होता है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। स्टूडेंट्स, 1 घंटे पहले यानी कि 11 बजे हमने राइट इन्फो ग्लोब ट्यूशन पर एक वीडियो अपलोड किया है यूपी नीट यूजी काउंसिलिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग। उसमें हमने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 20 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 बजे के बाद, 11 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन 11 बजे यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक नहीं आया था, 11 बजे के बाद आया है। ठीक है, जब अब उस समय आया नहीं था इसलिए हमने उसमें दिखाया नहीं है, अब आ चुका है। अब आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट upneet.joy.in, इसी वेबसाइट पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जा रहा है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक टेक्स्ट रन कर रहा है, यूपी नीट यूजी 2021 एमबीबीएस बीडीएस रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर 2 स्टेप है रजिस्ट्रेशन के। स्टेप नंबर 1 है एमबीबीएस या फिर बीटीएस का, सबसे पहले आपको अपने डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन करना है। और दूसरा स्टेप ये है कि रजिस्ट्रेशन करने का जो फीस है वो आपको पे करना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से पहले हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किए गए उनको देखते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन का सेक्शन, यहाँ पर आपको ये जो नोटिस है देखने को मिल जाएगा। देखिए 19 जनवरी 2022 के नोटिस हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले इस वेबसाइट पर आए हैं। इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन यूपी नीट यूजी 2021 काउंसलिंग, जब आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपको जो नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेट 19 जनवरी 2022, बट अभी यानी कि 20 जनवरी 2022 को वेबसाइट पर ये जारी किया गया है। इसमें काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने का जो फीस है वो है 2000 रुपये, ये हमने पिछले वीडियो में बताया है, यानी कि जो 1 घंटे पहले वीडियो बनाया है उसमें हमने आपको बताया है। यहाँ पर जो नोडल सेंटर पर आपको सिक्योरिटी फ़ी पे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 1, राजकीय क्षेत्र की एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम की सीटों हेतु। मतलब ये है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस या फिर बीडीएस की सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक ड्राफ्ट के जरिए 30,000 रुपये का ये जो अमाउंट है ये पे करना होगा। कहाँ पर? जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर पर जाएंगे तो वहीं पर आपको ये 30,000 रुपये पे करने होंगे बैंक ड्राफ्ट के जरिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एमबीबीएस करना चाहते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर एमबीबीएस सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 2 लाख रुपये ये अमाउंट है बैंक ड्राफ्ट के जरिए पे करना होगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज में, यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपये का ये जो अमाउंट है बैंक ड्राफ्ट के जरिए पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी मनी ₹2 लाख जमा करने पर वह राजकीय निजी क्षेत्र की एमबीबीएस बीडीएस की समस्त सीटों हेतु अर्य माने जाएंगे, अभ्यर्थी अपनी अर्हता का स्वयं आकलन। इसका मतलब यह है अगर आप 2 लाख रुपए का जो ये अमाउंट है बैंक ड्राफ्ट के जरिए पे करते हैं तो आप राजकीय यानी कि गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रकार की एमबीबीएस या फिर बीडीएस की जो सीट हैं आप उनके लिए एलिजिबल होंगे, आप उन पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ये है बीडीएस के लिए और एमबीबीएस के लिए। अगर आप 1 लाख रुपए के ये जो अमाउंट है तो आप राजकीय क्षेत्र की यानी कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की जो एमबीबीएस सीट है या फिर बीडीएस की सीट है या फिर निजी क्षेत्र की डेंटल कॉलेज की सीट है आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो ये जो नोटिस है इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया गया है, यानी कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वे कैंडिडेट जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं स्थायी निवासी वे अप्लाई कर सकते हैं, बट अदर स्टेट्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते ये यहाँ पर मैंसन नहीं किया गया है। ठीक है, ये रहा नोटिस। दूसरा नोटिस है ये जो है ये है काउंसलिंग का शेड्यूल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ये हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है। देखिए रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 20 जनवरी 2022 आज से है और लास्ट डेट इतना इतना है, और ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, और यहाँ पर ये है मेरिट लिस्ट का डेट, और ये है
चॉइस फिलिंग का डेट और चॉइस लॉकिंग का डेट। अगर आप यूपी नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप चॉइस फिलिंग करें तो उसके बाद चॉइस लॉकिंग ज़रूर करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सीट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप देख लीजिए, इस डेट को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा और ये है सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का डेट। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता चलेंगी। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, यूपी नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस रजिस्ट्रेशन करके, या फिर आप इस पर क्लिक कीजिए, स्टेप वन रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस बीडीएस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करने वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा नीट यूजी काउंसलिंग 2021, इतना सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है नीट का, और यहाँ पर नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर है वो एंटर करना है, और यहाँ पर ये जो कैप्चा है इसको एंटर करना है। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, तो फिर उसके बाद आपको जो अदर ऑप्शंस हैं रजिस्ट्रेशन करने के वो मिल जाएंगे। अगर आप ये स्टेप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करना होगा, स्टेप नंबर टू क्या है, फीस पे करना। रजिस्ट्रेशन का जो फीस है 2000 रुपये वो आपको पे करना होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से कोर्स सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, कैप्चा, और फिर लॉगिन, और फिर आगे जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जो नोटिफिकेशन है ये आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ नियम कानून हैं वो आपको जानना ज़रूरी है, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी काउंसलिंग में। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आप अच्छे तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा कॉलेज आपको मिले, और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आप अच्छे तरीके से कीजिए, जब मेहनत करेंगे आप तो डेफिनेटली आपको उसका एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। धन्यवाद।